बेलीपार थाना क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब के कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। धंधे में लिप्त कुल 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है, जिनकी पहचान बेलीपार थाना के भिलौरा निवासी विश्व प्रताप मिश्रा पुत्र राम नयन मिश्रा, छपरा सिवान बिहार निवासी उदय सिंह पुत्र नरेश सिंह, अजय कुमार राय पुत्र स्वर्गीय राम वृक्ष राय, कमलेश चौहान पुत्र राम सूरत दिलीप पाठक पुत्र संत लाल पाठक के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने एक शराब लदा हुआ पिकअप, बंटी बबली देशी शराब का 2900 रैपर, एक बंडल बारबोर कोड बरामद किया है। पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 15,000 के इनामी सूरज जायसवाल की गिरफ्तारी की दबिश डाली तो उस स्थान पर भारी मात्रा में हरियाणा ब्रांड का अवैध शराब बरामद हुआ और इस धंधे में लिप्त 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है, जबकि मुख्य अभियुक्त सूरज जायसवाल मौका देखकर फरार हो गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा और सीओ क्राइम प्रवीण कुमार सिंह ने बताया। इस पीसी में आप सभी का स्वागत है। मैं नया सीओ एसपी में एसपी साउथ साहब को भी होना था, सीओ बासगांव साहब को भी होना था। ये शराब की तस्करी के संबंध में एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार अभियान भी चलाया जा रहा था, उसी अभियान के तहत एक अच्छी कार्रवाई हुई है। हरियाणा में जो शराब निर्मित है, हरियाणा से संबंधित 537 छोटे बड़े बोतल मिला करके शराब की बरामदगी हुई है। एक पिकअप वाहन जिसके माध्यम से परिवहन किया जा रहा था उसकी बरामदगी हुई है, रैपर हुआ है, होलोग्राम हुआ है। मेन इसका सरगना ये संतोष करके हैं, जो 15,000 के इनामी है। संतोष जायसवाल 15,000 के इनामी है। अभी कुछ दिन पहले हत्या का अभियोग में वो शामिल रहे हैं, उसमें फरार भी चल रहे हैं। 419-420 का मुकदमा भी उसके ऊपर है। इस घटना में वैसे इसमें 5 नाम दर्शाए गए हैं, वह गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की संख्या 6 है, एक महिला भी सम्मिलित है, लेकिन इसमें उनको ये शामिल नहीं किया गया है। 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, एक पति पत्नी है, 2 बिहार से क्रेता आए हुए थे खरीदारी करने के लिए, एक ड्राइवर हैं, एक अम्बेडकर नगर का अभियुक्त है। तो 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। ये सूचना मिली थी, यही अपना ये जो संतोष है उन्हीं के पीछे लोग लगे हुए थे, इनामी अभियुक्त हैं, उसी मुखबिरी में हम लोग सब लगे थे। अब हरियाणा से शराब यहाँ ला करके और फिर बिहार के जो लोग 2 लोग आए हुए थे, निश्चित तौर पर जब बिहार के लोग हैं तो बिहार ले आते हैं वहाँ पर। संतोष की गिरफ्तारी हुई? नहीं, संतोष मौके से भाग निकले हैं, उन्हीं गिरफ्तारी से 6 लोग अभी गिरफ्तार हैं। स्टिकर लगा के शराब बेचते थे जी, उसको अपना स्टिकर लगा करके बंटी बबली और रैपर है। पूर्व में भी इनके जो भी कारखाने का गोदाम पकड़े गए थे, इसको उनका पंजीकृत कराया गया था पूरा वर्ष। इस प्रकार इनके शहर में और देहात क्षेत्र में कई सारे अड्डे हैं। शहर के आसपास भी शराब बेचते हैं? बिल्कुल, शहर के आसपास भी शराब बेचते हैं। पूरा बार भी ये यहाँ पे शराब निर्मित भी करते हैं, शराब बनवाते हैं दोनों तरफ। ये बहुत ठीक कुख्यात गिरोह है, शराब माफिया है। ठीक, संतोष जायसवाल जो 15,000 का इनामी रहा, लोगों को जानकारी होगी कि कुछ दिन पूर्व चोरी चौरा में जो थी हत्या की मैंने जो की गई थी सोनबरसा चौकी के पास जो मृतका की लाश मिली थी, उसमें उस हत्या में सह अभियुक्त था ये। उस हत्या में जितने लोग सह अभियुक्त और अभियुक्त थे वो भी इसी गिरोह के साथ जुड़े हुए थे। पूछताछ के दौरान ही खोराबार क्षेत्र से एक इन लोगों का शराब का नकली शराब, जहाँ ये शराब को मिक्स करके बेचते भी थे, अपमिश्रित करते थे, उसके साथ उसका रैपर और बंटी बबली का और डुप्लीकेट होलोग्राम वगैरह बहुत भारी मात्रा में प्राप्त हुआ था। इसी गिरोह के का जो नेक्सस है उसी के पीछे हम लोग काम कर रहे थे और ये सूचना प्राप्त हुई थी कि संतोष जायसवाल जो 15,000 का इनामी है उस हत्या में, वो अपने कुछ साथियों के साथ अरे नौसर क्षेत्र की तरफ आ रहा है। इसी के दौरान बेलीपार ठीक है पुलिस के सहयोग से
इन लोगों को पकड़ा गया और मौके से जो बरामदगी हुई है उस पर मुकदमे पंजीकृत हुए। मौके पे ठीक है लाभ उठा के संतोष जायसवाल वहाँ से फरार हो गया है, उसे इस मुकदमे में ठीक वांछित किया गया है। अन्य कहाँ कहाँ इसके लोग हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई हो रही है शराब के, कहाँ कहाँ पर गोदाम हैं और इस प्रकार का नेक्सस उसका सिर्फ इसी जनपद में है कि अगल बगल भी है, उस पर आगे ठीक क्राइम ब्रांच भी लगी है, लोकल थाना भी लगा है, आगे जो भी कार्रवाई होगी वो आप सबको अवगत कराया जाएगा। इसके पहले भी तो शराब बरामद, बिल्कुल बिल्कुल, कुख्यात शराब माफिया मैं पहले बता चुका हूँ।